डायरेक्टर हैं जिन्होंने इस मूवी को इस लेवल तक लेके आए हैं कि आज मूवी ऑल ओवर इंडिया रिलीज हो रही है। तो मैं अपने डायरेक्टर को बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ कि हम आर्टिस्टों ने बहुत मेहनत की और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने बहुत मेहनत की है इस मूवी को रिलीज़ करने के लिए। फाइनली आज वो दिन आ गया है जो आप सबके सामने है, जो ऑल ओवर इंडिया इंडिया और नेपाल में ये मूवी रिलीज़ हो रही है। ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स है? ऑडियंस का अभी तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, गाने बहुत अच्छे हैं, कॉमेडी है, सस्पेंस है, एक्शन है, मतलब ऑडियंस को बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे हम थिएटर्स में बैठे हैं तो आर्टिस्ट का वो अगल बगल में पूरी ऑडियंस ही है, तो हमें कुछ नए नए चीज़ें सुनने को मिल रहे हैं, कॉमेडी पंचेस और लाफ्टर्स और उनके जोक्स, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। सर आपका एंगेजमेंट? जी आपका एंगेजमेंट? मैंने तो अभी मेहनत तो बहुत की है फिल्म में, ये देखते हैं ऑडियंस क्या बोलती है। अच्छा पसंद तो कर रहे हैं, अच्छा तो लग रहा है, उनको सांस रहे हैं, और नेपाल में और यहाँ दोनों जगह चल रही है फिल्म और पब्लिक लाइक कर रही है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। फिर आप क्या रहेंगे सर? अभी फिल्म देखी है हमने, बहुत अच्छी लग रही है, और हम लोगों ने तो मेहनत की है बहुत, हम आर्टिस्ट हैं तो जो काम करता है उसको तो अच्छा ही लगता है। लेकिन साथ साथ में जो ऑडियंस बैठी है उनका जो रिस्पॉन्स आ रहा है, जिस तरह से एक्शन सीन हो या कॉमेडी सीन हो या जो बड़ी प्रोफेशन है, उन सब पे जो रिएक्शन आ रहा है बहुत अच्छा है। और हमारे डायरेक्टर लक्ष्मण सिंह जी हैं, बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है, बहुत अच्छे तरीके से एक पकड़ जो है फिल्म में ऑडियंस को एकदम पकड़ के रखा हुआ है, कहीं भी बीच में ऐसा ढील नहीं होता है कि कोई बोर हो जाए, एक के बाद एक सीन ऐसे एक दूसरे से अटैच हैं कि आदमी बिल्कुल भी हिलता नहीं है, देखते रहता है। सर आपका रोल क्या है, कुछ बताया जाएगा? मैं इस फिल्म में एक नेपाली इंस्पेक्टर का कैरेक्टर कर रहा हूँ, बी थापा, जो कि अपने आप में बहुत होशियार होता है, लेकिन फिल्म में जो हीरो और उनके मामा भांजे की जो जोड़ी है, वो उस इंस्पेक्टर को कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं और फिर क्या कॉमेडी क्रिएट होती है, वो उससे ऑडियंस को बहुत मजा आता है।